नमस्ते, मैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हूँ। मैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा और गणित पढ़ाती हूँ। निपुण किट के प्रयोग से कैसे मैं भाषा का शिक्षण करती हूँ, चलिए देखते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं तैयारी और दिन के तीन कालांश मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन में शिक्षण कैसे करवाती हूँ। अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है अच्छी तैयारी, और मैं अपनी तैयारी एक दिन पहले नियमित रूप से करती हूँ। एक दिन के शिक्षण समाप्त करने के बाद मैं संदर्शिका में दिए गए शिक्षण योजना की सहायता से अगले दिन की तैयारी करती हूँ। तैयारी करते समय मैं तीन बातों का ध्यान रखती हूँ। पहले मैं समझती हूँ कि कल की कक्षा में सीखने के लक्ष्य क्या होंगे। फिर मैं शिक्षण योजना पढ़ती हूँ और उन सभी गतिविधियों की कल्पना करती हूँ जो मैं छात्रों के साथ करूँगी। अंत में मैं शिक्षण के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को एकत्र करती हूँ या बनाती हूँ। मैं शिक्षक संदर्शिका में सबसे पहले ट्रैकर देखती हूँ। ट्रैकर से मुझे पता चलता है कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है और कल मुझे क्या पढ़ाना है। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने सप्ताह 6 दिवस 1 तक का शिक्षण पूरा कर लिया है, तो कल मैं सप्ताह 6 दिवस 2 के पाठ योजनाओं की मदद से पढ़ाऊंगी। भाषा के दैनिक शिक्षण को तीन कालांशों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कि तीनों कालांशों में क्या क्या कार्य किया जाएगा। पहला कालांश यानी कि मौखिक भाषा में मैं चित्र के बारे में अपनी भाषा में सरल बातचीत करवाऊंगी। दूसरे कालांश यानी कि डीकोडिंग में मैं वर्ण पहचान पे काम करवाऊंगी। तीसरा यानी कि पठन में मैं साझा पठन और लोगोग्राफिक पठन करवाऊंगी। संदर्शिका में हर एक दक्षता के ऊपर काम करने के लिए गतिविधियां दी गई हैं। हर गतिविधि कैसे करानी है उसका निर्देश भी संदर्शिका के शिक्षण योजना में दिया गया है, तो मैं सारी गतिविधियों के निर्देश पढ़ लेती हूँ। पहले कालांश में चित्र के बारे में अपनी भाषा में सरल बातचीत करना, इस लक्ष्य के लिए मैं चित्र चार्ट का उपयोग करके चर्चा शुरू करूंगी। उसके बाद मैं बच्चों के साथ चित्रकारी पे आधारित चर्चा करूंगी। इसी तरह मैं सभी तीन कालांशों की गतिविधियां पढ़ती हूँ। गतिविधियों को पढ़ने के बाद मैं आवश्यक सामग्री एकत्र करती हूँ और मौखिक भाषा और पठन के लिए प्रश्न बनाती हूँ, जिसकी आवश्यकता कल सभी तीन कालांशों के लिए होगी। पाठ योजना में प्रत्येक कालांश के बाईं तरफ इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, तो पहले कालांश के लिए मुझे चित्र चार्ट की आवश्यकता होगी और मैं प्रश्न की एक सूची बनाऊंगी। कालांश 2 के लिए मुझे कार्य पुस्तिका, पाठ्य पुस्तिका और ब से शुरू होने वाले शब्दों की सूची चाहिए। कालांश 3 के लिए मुझे छात्रों से पूछने के लिए बिग बुक, चिड़िया और कुछ सवाल चाहिए होंगे। अब मैं कल के शिक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि कल हर कालांश में मैं क्या गतिविधियाँ कराऊंगी। कल के लिए सामग्री इकट्ठा हो चुकी है और कक्षा में पूछने के लिए सवाल भी तैयार हैं। मैं ठीक ठीक कल्पना कर सकती हूँ कि कल मेरी तीन कालांश कैसी होंगी, और मैं काफी आश्वस्त महसूस कर रही हूँ। भाषा के दैनिक शिक्षण में तीन कालांश हैं और प्रत्येक कालांश में दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। पहले कालांश में मौखिक भाषा, दूसरे में डिकोडिंग और तीसरे में पठन की दक्षता पर कार्य किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपनी संदर्शिका के साथ एक दिन के भाषा का शिक्षण करती हूँ। भाषा का पहला कालांश मौखिक भाषा विकास के लिए है। इस कालांश में मैं TLM या कहानी के उपयोग से चर्चा प्रारंभ करती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों के साथ चर्चा से संबंधित कुछ सवाल जवाब करती हूँ और अंत में छात्र आपस में चर्चा करते हैं। आइए देखें कि संदर्शिका मुझे कैसे मदद करती है। मौखिक भाषा की शुरुआत कक्षा में आनंददायक वातावरण स्थापित करने से होती है। इसके लिए मैं शुरुआत एक कविता या गीत से करती हूँ। नहीं किसी का बोझ उठाता।
इसके बाद मैं बच्चों को घेरे में बैठाती हूँ और बातचीत शुरू करती हूँ। आज मैं चित्र चाट होली का उपयोग करके पाठ योजना के अनुसार मौखिक भाषा पे काम करूंगी। इसके बाद कल तैयार किए गए प्रश्नों की सूची के साथ मैं छात्रों से सवाल जवाब शुरू करती हूँ। पहले मैं ऐसे सवाल पूछती हूँ जिसका एक ही सही उत्तर होता है। और उसके बाद ऐसे सवाल पूछती हूँ जिसके एक से अधिक सही उत्तर होते हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं होली से पहले? कैसे तैयारी करते हैं? होली का त्योहार है, मनाना है, तो क्या क्या लाएंगे आप? बढ़िया। और प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं 3-4 छात्रों से उत्तर पूछती हूँ। ऐसे ही खूब सारे सवाल जवाब के द्वारा मैं कोशिश करती हूँ सारे बच्चों को बोलने का मौका मिले। इसके बाद मैं संदर्शिका अनुसार छात्रों से नोटबुक में होली से संबंधित कुछ बनाने के लिए कहती हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे चित्र बनाएंगे होली से रिलेटेड। ठीक है, और फिर उन्हें अपने बनाए हुए चित्र पर आपस में चर्चा करने के लिए कहती हूँ। तो सारे बच्चों का बन गया? Yes, ma'am. Very good. अब आप लोग क्या करेंगे, जो आपने चित्र बनाया है ना, वो अपने फ्रेंड को, अपने साथी को बताएंगे क्या? आपस में चर्चा करवाना मौखिक भाषा के कालांश का आखिरी पड़ाव है। इसी के साथ मौखिक भाषा कालांश समाप्त होता है। दूसरा कालांश डिकोडिंग के लिए है। इसके 4 चरण हैं। सबसे पहले नए वर्ण के ध्वनि और चिन्ह की पहचान करेंगे। आज बच्चे ब वर्ण सीखेंगे। दूसरे चरण में ब ध्वनि के साथ ब्लेंडिंग करेंगे। तीसरे चरण में छात्र ब से शब्द पढ़ेंगे। और आखिरी चरण में बच्चे कार्य पत्रक में ब वर्ण पर दिए गए लेखन कार्य करेंगे। वर्ण पहचान के लिए सबसे पहले मैं छात्रों से ध्वनि की पहचान करवाती हूँ। अच्छा, ये बताइए ये क्या है? आप बताइए, पहली ध्वनि कौन सी थी बाल में? बा। और इस ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द पूछती हूँ। फिर उसी वर्ण के चिन्ह की पहचान करते हैं। क्या है? और इसको जो है हम लोग ऐसे बनाते हैं। फिर इस चिन्ह की पहचान बोर्ड पर लिखे कुछ शब्दों में से करवाती हूँ। मैं बच्चों को एक एक करके सामने आके ब पर घेरा लगवाती हूँ। अरे वाह, फिर बच्चे ब चिन्ह को कक्षा की दीवारों में चित्र चाट या अपनी किताबों में ढूंढते हैं। इसके बाद ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग में आज की ध्वनि को पहले सीखे गए ध्वनियों के साथ मिलवाती हूँ। कोई और वर्ड हम लोग मिलाएंगे जिससे कि नया शब्द बन जाएगा, जैसे ब स कई बार ब्लेंडिंग का अभ्यास करवाती हूँ। और न। न।
इसके बाद मैं शब्द पठन करवाती हूँ। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ। जिन ध्वनियों की ब्लेंडिंग करी गई थी उन्हीं के चिन्हों की ब्लेंडिंग दिखाकर मैं शब्द पठन करवाती हूँ। मैं सारे बच्चों को शब्द पढ़ने का मौका देती हूँ। और उसके बाद लेखन कार्य करवाती हूँ। लेखन के लिए छात्रों को डिकोडिंग संबंधित कार्य पत्रक खोलने के लिए बोलती हूँ। सवाल समझने के बाद उन्हें करने के लिए कहती हूँ। जब छात्र कार्यपत्रक पे काम कर रहे हैं तब मैं कक्षा में निरीक्षण करती हूँ। और उनकी शंकाओं को दूर करती हूँ। अंत में कार्यपत्रक के सही जवाब सभी के साथ दोहराती हूँ। और इसी के साथ डिकोडिंग कालांच समाप्त होता है। भाषा का तीसरा कालांच पठन के लिए निर्धारित है। मैं चार चरणों में कराती हूँ। पहले मैं बिग बुक से एक कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। इसके बाद कहानी में आए नए शब्द का अर्थ समझाती हूँ। उसके बाद दो बार साझा पठन करवाती हूँ और अंत में बच्चों के साथ बिग बुक की कहानी पे चर्चा करती हूँ। बिग बुक पठन के लिए मैं बच्चों को घेरे में बिठाती हूँ और उन्हें उसका पहला पृष्ठ दिखाती हूँ। ये हमारी बिग बुक है। कौन सी बुक है? बिग बुक। हाँ, और इसमें चित्र दिख रहे हैं आपको? यस मैम। चित्र दिख रहे हैं? यस मैम। इसमें क्या क्या दिख रहा है? मैं शीर्षक और चित्र पर बच्चों के साथ चर्चा करती हूँ। चिड़िया है तो ये कहानी किसकी किसकी हो सकती है? और फिर हर पृष्ठ पर बने चित्र को दिखाते हुए पढ़ाना शुरू करती हूँ। एक चिड़िया तालाब में पानी पी। कहानी पढ़ते समय मैं हर शब्द पर उंगली रखते हुए पढ़ती हूँ और बच्चों को सुनने के साथ ही चित्र पर ध्यान दिलवाती हूँ। इसके बाद नए शब्द चिन्हित करती हूँ। और इन्हें बोर्ड पर लिख देती हूँ। बच्चे जब सारे शब्दों से परिचित हो जाते हैं तो मैं और मेरे बच्चे मिलकर वह कहानी पढ़ते हैं। अभी है साझा पठन। तो एक बार हम लोग फिर से स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है? अब आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट भी करेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? एक चिड़िया। पढ़ते समय मैं हर पृष्ठ पर चर्चा करवाती हूँ। जब आप भी अपने आसपास अगर गड्ढे में या पानी में गिरे होंगे तो अपने आसपास किसी को देखेंगे तो क्या क्या कहेंगे? हेल्प मांगेंगे। इसी प्रकार से हम बिग बुक की कहानी पढ़ते हैं। चिड़िया सूखकर फुर से उड़ गई। इसी के साथ बिग बुक की पढ़ाई समाप्त। इसके बाद है नए शब्द सीखना। अब आप लोग इन कठिन शब्दों को मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? बिल्ली बिल्ली।
बोर्ड पर लिखे नए शब्दों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ और मेरे बाद बच्चे। इसके बाद मैं एक एक बच्चे को बोर्ड के पास बुलाकर शब्द पढ़वाती हूँ और अपने साथियों को बताने के लिए कहती हूँ। यह ही था पठन का कालांश और आज का भाषा शिक्षण यहीं समाप्त होता है। तो इस तरह शिक्षक संदर्शिका की मदद से मैं दैनिक भाषा शिक्षण के लिए तैयारी और दिन के तीन कालांश, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन में आकर्षक गतिविधियां करती हूँ। तैयारी के लिए ट्रैकर देखती हूँ कि अगली योजना कौन सी करवानी है। पाठ योजना से मैं तीनों कालांशों का शिक्षण उद्देश्य और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का संज्ञान लेती हूँ और कल के लिए आवश्यक तैयारी की सामग्रियों को एकत्र कर लेती हूँ। दिन के पहले कालांश में मौखिक भाषा पर कार्य करती हूँ। इसमें कविता, चित्र चार्ट आदि की मदद से चर्चा प्रारंभ करवाती हूँ और सवाल जवाब के माध्यम से बच्चों को अपने मन की बात बोलने का मौका देती हूँ। दूसरे कालांश में डिकोडिंग पर काम करती हूँ, जिसमें बच्चे वर्ण या मात्राओं की ध्वनि को सुनते हैं और लिखित रूप से जानते हैं। इन्हें मिलाकर शब्द और वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। दिन के तीसरे कालांश में प्रिंट सामग्री या छोटी कहानियों की मदद से बच्चे लिखित भाषा को पढ़कर बोलने और समझने की कोशिश करते हैं। आशा करती हूँ कि संदर्शिका का उपयोग करके आप भी अपने शिक्षण को उच्चतर स्तर में लेके जाएंगे।